हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आप मेरा थंबनेल और मेरा टाइटल देख के समझ चुके होंगे मैं आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं जो पहली बार माँ बन रही हैं और उनके लिए भी जिनके घर में 3-4 राजकुमारियाँ हैं, वो चाहते हमारे घर में भी एक राजकुमार आ जाए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा इस वीडियो के थ्रू ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं लिंग भेद के लिए कुछ ऐसा जैसा वीडियो बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, बल्कि लड़कों से ज़्यादा आजकल लड़कियाँ हैं, है ना। मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि लड़कियाँ कितनी बेटर है लड़कों से। और तो ज़्यादा घुमा फिरा के मैं बात नहीं करूँगी, मैं सीधे बात करूँगी सिम्टम की। जब मैं भी पहली बार माँ बनी थी तो मेरे मन में भी, सबके मन में होता है कि यार, वैसे माँ के लिए तो लड़का लड़की बराबर है, लेकिन मन में होता है कि यार मेरे पेट में जो पढ़ रहा है वो लड़का है, लड़की है, राजकुमार है, राजकुमारी है। हम उनके लिए सपने देखते हैं कि हम ये लाएंगे अपने बच्चे के लिए, वो लाएंगे। हर कोई सोचता है, ऐसा नहीं है कि मैंने ही सोचा है, दूसरा नहीं सोचेगा या दूसरे ने सोचा मैंने नहीं सोचा, ऐसा कुछ नहीं है। हर वो माँ सपना देखती है और हर किसी को जानने की उत्सुकता होती है। हर कोई यूट्यूब पर सर्च मारता है, यार मेरे को ये सिम्टम दिख रहा है, क्या होगा मेरा। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। और जैसे सभी को पता है कि मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि 1.5 साल का है, और मेरे साथ जो सिम्टम जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, ये प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम नहीं, ये सिम्टम दिखा था। और सिम्टम से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अगर आपको भी ये सिम्टम है तो आपको 100% बेबी बॉय होगा। तो वो सिम्टम क्या है मैं बताती हूँ आपको। वो सिम्टम ये है कि अगर आपके राइट राइट लेग पे पेन होता है, ऊपर से नीचे पूरे आपको पेन फील होता है, दूसरे मंथ से आपको अगर दर्द होता है लेफ्ट लेग में, दूसरे या तीसरे मंथ से आप दर्द होता है, तो आप ये मान लो 100% जो आपके घर में आने वाला है वो आपका नन्ना सा मेहमान जो है वो आपका प्रिंस है। ठीक है, क्यों होता है ये भी बता देती हूँ मैं। क्योंकि जो बेबी बॉय होता है उसका जो हेड होता है वो राइट साइड में माना जाता है। बहुत सारे रिसर्च में माना गया है कि बेबी बॉय का जो हेड होता है शुरू मन से राइट साइड में होता है, और गर्ल्स जो होती है उनका लेफ्ट साइड में होता है। तो राइट साइड में हेड होने की वजह से उनके राइट लेग में बहुत पेन होता है, क्योंकि वेट राइट लेग में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए जो दायां पैर होता है उसमें पेन होता है। और ये मेरे साथ भी हुआ था, बहुत सारों के साथ भी हुआ था। मैंने सुनने में आई है, और ये मैं मानती हूँ ये 100% सही है। अगर आपके भी राइट लेग में दर्द होता है तो आप टेंशन मत ले, क्योंकि क्या होता है, बच्चे का जो सर होता है वो राइट साइड होता है, इसलिए उसके वेट से आपके पैर में दर्द होता है। और आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको होने वाला जो बच्चा है वो बेबी बॉय है। और जो गर्ल्स होती है, जिनकी लड़की होती है, उनके राइट लेफ्ट लेग में पेन होता है, क्योंकि उनका हेड लेफ्ट साइड माना जाता है कि लेफ्ट साइड होता है। तो अगर आपको भी ये सिम्टम दिखता है, और बहुत सारे सिम्टम हैं अगर, तो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं वो और कौन कौन से सिम्टम हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हम हमारे घर में जो आने वाला है वो नन्ना मेहमान बेबी बॉय है, तो अगर आपको भी ये सिम्टम दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में छोटा सा प्रिंस आने वाला है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा होता कि पहला बच्चा तो लड़का लड़की कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि 2 लड़कियां हो जाती है, उसके बाद वो भी चाहते हैं कि हमारा एक लड़का हो जाए और हैप्पी हैप्पी फैमिली हो जाए। तो अगर आपको ये सिम्टम दिखता है तो आप बस खुशियां मना लो, आपके घर में बेबी बॉय आने वाला है। तो चलो फिर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और सिम्टम जानने हैं कि क्या क्या सिम्टम आते हैं बेबी बॉय होने पर, क्या क्या सिम्टम दिखते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं हमें बेबी बॉय होने वाला है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।